नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महेश सिद्धमर्जा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्टिविटी शीट फॉर क्लास टेंथ अंडर मिशन मैथमेटिक्स फॉर द डेट ऑफ 5 जुलाई 2023। टुडे आवर एक्टिविटी इज टू फाइंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। दो संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात करें, उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए, वाइट ड्राइंग शीट, कलर, ग्लू, सीजर, कार्डबोर्ड, पेन और पेंसिल्स। अब उसके लिए मेथड कैसे हैं, पहले आपको 3 10x10 का ये शीट ज्ञात कर लेंगे। 10x10 का दो शीट, 3 शीट आप तैयार कर लेंगे। उसमें एक में आप 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखेंगे। फिर इस तरह से ये हो जाएगा, तो इसको कहीं आप सजा कर, कहीं आप चिपका करके, ये हमारे लिए बेस ग्रिड हो जाएगा। इसको कहीं पे कार्डबोर्ड पे चिपका लें। अब दूसरा ग्रिड हमारे पास जो है, तो उसको इस पे रख दीजिए। रखने के बाद जहाँ जहाँ बी बराबर ए बराबर में 4 ले लिया गया है, तो 4 के मल्टीपल पे छेद कर देंगे, काटते जाएंगे। यानी 4 वाले पे 8 वाले पे 4 प्लस करते हुए जाएंगे, तो जो जो आपके सामने आता जाएगा वो वाले नंबर को काटते जाएंगे। तो कुछ इस तरह से बेस पे रखने के बाद दिखेगा आपको। अब अगला जो दूसरा ग्रिड हमारा तैयार हो गया। अगला जो है हमारा तीसरा शीट, उसमें हमें लेना है बी बराबर में 6 लेना है, और उसको फिर हम इस वाले शीट पे रखेंगे और 6 के मल्टीपल पे उसको छेद करते जाएंगे। 6 के बाद 12 के बाद 18 के बाद 24। तो इस तरह से हमारे पास ग्रिड तैयार होके आएगा, 6 12 18 20। अब 6 12 18 24 36 30 36 इस तरह से तैयार होके आएगा। अब क्या करना है, इसको तीनों को अब एक साथ रखने हैं। तीनों को जब हम एक साथ रखेंगे बेस पे, यानी ये वाला जो हमारे पास ग्रिड था, ये वाला ग्रिड और ये वाले ग्रिड को, एक जो हमारा बेस था ग्रिड, यानी बेस ग्रिड ये वाला था, इस पे रखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाएगा। जो दोनों में छेद होगा वो आपको दिखेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 जो आएगा वो होगा 12 12 24 36 48 60 72 84 96। उसमें से सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, 12। तो 12 जो होगा एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 होगा। तो स्मॉलेस्ट विजिबल कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 इज 12। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है ग्रिड को। तो ए और बी कोई नंबर ले लेना है, तो ये एलसीएम 4 और 6 का आया 12। आप इसी प्रकार डिफरेंट नंबर ले सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं यहाँ पे 6 8 4 10 15 20 24, अलग अलग नंबर ले सकते हैं। तो यदि हम 6 8 को एक बार और बना के देखें दूसरे तरीके से, तो 6 का वहाँ पे भी पहाड़ा ही लिखते हैं, टेबल ही लिखते हैं, तो 6 का टेबल पड़े 6 6 2 12, 6 3 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54
और 60, फिर और भी जोड़ते जाएंगे 66, फिर 72, इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब दूसरा 8 का टेबल है, तो 8 का टेबल 8 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 54, 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, फिर 88, इस तरह से नंबर बढ़ता जाएगा। तो इस दोनों में जो कॉमन है आप देख सकते हैं कॉमन क्या क्या है, 24 आया, उसके बाद 48 दोनों में आ रहा है, फिर 72 दोनों में आ रहा है। तो यानी क्या हो गया, इसका कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 24 48 72, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा दिख रहा है आपको, स्मॉलेस्ट 24 दिख रहा है, तो इसका 24 आएगा। बाकी आप दोनों खुद ट्राई कर सकते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।